हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी वाले छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, कई सारे कैंडिडेट्स का लगातार क्वेरी आ रही है कि आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम कब तक के हो सकता है। रेलवे के द्वारा जो टाइमलाइन जारी की गई थी उसका क्या हुआ, तो फाइनली लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर के आए कि आपका जो है ऑफिशियली हम बताने वाले कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है कब तक के जारी हो सकता है। जी हां फ्रेंड्स, इस दिन आपका जो है जारी हो सकता है एग्ज़ाम शेड्यूल। तो देख लेते हैं कौन सी जो है लेटेस्ट अपडेट है और कब तक के आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो सकता है आरआरबी एएलपी का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक नोटिस ओपन किया हुआ जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। देखिए, CEN 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपीज टेंटेटिव टाइमलाइन, मतलब कि इसमें बताया गया था कि जो एएलपी की आपकी 01/2024 मतलब 2024 की जो वैकेंसी आई है, तो इसमें जो है टाइमलाइन बताई गई थी कि एग्ज़ाम कब तक होगा, उसका रिजल्ट कब तक देंगे और जो है आपका सीबीटी 2 कब से कब तक होगा। तो यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा सबसे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए सेकंड वाला, द सीबीटी 1 एग्जाम्स फॉर दिस पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त 2024। मतलब इसमें बताया गया था कि जून से अगस्त 2024 के बीच में आपका जो है सीबीटी 1 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी लगभग जो है अगस्त आधा अगस्त गुजरने पे आया है, लेकिन अभी तक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया था कि जो सीबीटी 2 होगा उसके जस्ट आपके बाद जो है सीबीटी 1 एग्ज़ाम के बाद आपका जो है सितंबर में 2024 में जो है मतलब अगले महीने में सितंबर में बताया गया है कि आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। लेकिन रेलवे की तरफ अगर देखा जाए तो एएलपी में अच्छे खासे कैंडिडेट्स का फॉर्म अप्लाई किया गया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी फुलफिल की जाती है वो रेलवे की ही वैकेंसी में जो है कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर आपके लगभग 20 से 30 लाख प्लस जो है आवेदन गए होंगे एएलपी की पोस्ट के लिए। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपका जो है अगस्त में भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ये लोग, तो उसके बाद अगले महीने में जो है इनका रिजल्ट ही बनना पॉसिबल नहीं है और उसके बाद सितंबर में ही इसका सीबीटी 2 होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर बात करेंगे और उसके बाद सितंबर के 2 महीने बाद नवंबर में बोला गया था कि आपका साइको टेस्ट लिया जाएगा, फिर जो होगा आपका साइको टेस्ट के बाद डीबी और मेडिकल होगा, तो वो नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच में कंडक्ट करवाएगा। लेकिन इतना जल्दी रेलवे का प्रोसेस फास्ट नहीं है। यहाँ पर जो है इसमें रेलवे में अच्छे खासे कैंडिडेट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट देना पहले सीबीटी कंडक्ट करवाना, अब एक दो महीने तक तो इनका सीबीटी ही चलता है, उसके बाद उस जो है उसका आंसर की देना, फिर आंसर की 4 दिन तक 5 दिन तक रहती है, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद फिर फाइनल आंसर की उसका एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट वगैरह बनाने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है लगभग 30-35 लाख का जो है रिजल्ट बनाने में टाइम तो अच्छा खासा लगता है। तो यहाँ पर जो है लगभग 1-2 महीने गुजर जाते हैं रिजल्ट कंप्लीट करने में भी। तो मे भी चांस है कि आपका अभी तक के कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता देता चलता हूँ कि यहाँ पर रेलवे के द्वारा आरआरबी एएलपी की जो है वैकेंसी इंक्रीज़ किया गया था और उसके बाद आपका बोला गया था कि यहाँ पर आप जो है कैंडिडेट्स अपना आरआरबी जोन और जोनल रेलवे का जो है प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 दिन के लिए लिंक एक्टिवेट की गई थी, जो कि 29 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त के बीच में जो है लिंक को एक्टिवेट किया गया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आरआरबी एएलपी वाले कैंडिडेट्स ने जो है अपना जोन प्रेफरेंस मतलब कि आरआरबी जोन को चेंज भी किया है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक की आ सकती है, तो देखिए अभी 10 दिन पहले मतलब कि लगभग यहाँ पर अभी 4-5 दिन पहले आपका जो है 7 अगस्त को आपका जो है इसकी लिंक को बंद किया गया है। किसकी लिंक को, तो यहाँ पर एएलपी के बोर्ड चेंज करने की लिंक को अभी 7 अगस्त को जो ही बंद किया है। तो मे भी चांस है कि यहाँ से लेकर के मतलब कि 7 अगस्त से लेकर के इसके बाद अगर बात करेंगे तो लगभग आपका 20 अगस्त तक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आने वाला है। आपका जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी है तो वो 20 अगस्त के बाद ही आपका जो है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सीबीटी 1 के रिगार्डिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा एएलपी वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपका 20 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ सकता है। 20 अगस्त के बाद ही जब आपका शेड्यूल दिया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि 20 अगस्त को अगर आपका शेड्यूल दिया गया है तो उसके भी लगभग कम से कम ये मान के चलिए कि 15 दिन बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 5 सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना पॉसिबल नहीं है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर जो है आपका 5 सितंबर के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सीबीटी 1 का। तो आपका सीबीटी 1 जो होगा वो सितंबर में पॉसिबल है, इससे पहले आपका सीबीटी 1 जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि आरआरबी एएलपी में अच्छे खासे कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा वो लगभग 1-1.5 महीना भी चल सकता है, लगभग जो है आपका 30-40 दिन एग्ज़ाम जारी हो सकता है अगर 1-2-3 शिफ्ट में भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तो मे भी चांस है कि आपका जो है 5 सितंबर के बाद यहाँ पर आपका जो है फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इससे पहले आपकी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, 100% आप लिखे रख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों आपका 20 अगस्त से पहले
कोई भी शेड्यूल नहीं आएगा और 5 सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 5 सितंबर के बाद ही होगा ALP CBT 1 का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये इंटरनली थोड़ी खबर मिली थी, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। या कई सारे यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम टेंडर फाइनल हो गया, तो देखिए दोस्तों एग्ज़ाम टेंडर तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम टेंडर जारी किया गया था और उसकी लास्ट डेट रखी गई थी, उसके 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम टेंडर फाइनल कर दिया गया था। मैंने वीडियो में भी आपको बना करके बताया था कि 2 दिन में ही आपका टेंडर फाइनल कर दिया गया है। लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि उनका जो है टेक्निकल बीट्स फाइनेंशियल बीट्स जो है अब प्रोसेसिंग में है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे कैंडिडेट जो यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं वो RRB चंडीगढ़ की तरफ से जो टेंडर दिया गया है उसको बता रहे हैं, जो कि RPF के लिए जारी किया गया है, वो RRB ALP के लिए जारी नहीं किया गया है। RRB ALP के लिए अगर बात करें तो RRB मुंबई की तरफ से जो है ALP वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ECA टेंडर जारी किया गया है। तो ALP का जो है ECA टेंडर आपका 2 दिन में ही फाइनलाइज हो गया था और उसकी टेक्निकल बीट्स और फाइनेंशियल बीट्स भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका कभी भी एग्ज़ाम शेड्यूल दिया जा सकता है, 20 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल दिया जा सकता है, इससे पहले मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आपके साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।